इस फिल्म का नाम है हर हर गंगे, और सबसे पहले हम हैं, हमार डायरेक्टर बने चंदन उपाध्याय जी, हमारी हीरोइन हैं स्मृति सिन्हा जी। सौभाग्य है कि महादेव की नगरी में आने का हम लोगों को मौका मिला, और आप सबको प्रणाम। आप सबके चैनल के जरिए जे भी हम सबके देख रहा बा, भैया चाचा माता बहन सबके बैठ के प्रणाम बा। फिल्म के नाम बा हर हर गंगे, और मैं थैंक यू बोलूँगा अपने डायरेक्टर को जो आज के माहौल में इस सोच को लेके आए मेरे पास कि भैया मुझे इस टाइप की फिल्म करनी है। तो दिल दोगुना हो गया, बड़ी चौड़ा हुआ कि यार चलो बहुत खुशी की बात है। ये तो मतलब मेरा भाग्य है कि ये प्रोजेक्ट आप मेरे पास लेके आए, और ये हम सब कलाकार का भाग्य है जो हर हर गंगे फिल्म में काम करने का मौका मिल रहा है। नाम में माँ गंगा है तो क्या है? हर हर गंगे फिल्म के नाम पर थोड़ा सा हम कलाकारों को भी थोड़ा सा बंद करो बांध दिया जाता है कि कहानी को डिस्क्लोज ना किया जाए, इसलिए मैं अपने डायरेक्टर को भी अपने साथ बैठा लिया। जहाँ मैं फंसूंगा मैं बोलूँगा भाई थोड़ा सा शेयर करिए बस, बट लेकिन थोड़ा सा ये जरूर ये है कि ये हम लोग हमारा मतलब सोच और भाव यही है कि गंगा माई में जौन गंदगी फैलावल जाता या कुछ मतलब गंगा सफाई अभियान के ऊपर ये हमारी फिल्म है। मुझे गंगा माँ को साफ करना है। गंगा की सफाई की आप बात कर रहे हैं, पहले भी काशी आते रहे, तमाम प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, बदलाव नजर आता है आपको काशी काफी बदलाव? हम लोग पहले भी बनारस आते थे, माँ गंगा का हम लोग स्नान, हमारे तो गंगा किनारे हमारे जन्मे है, तो गंगा माई के माई है, और जो कल था माँ तो माँ है, लेकिन जो माहौल कल था और आज में बहुत फर्क है, बहुत अंतर है। आज के डेट में हमारे भोजपुरी भाषा जौन बा, ये बड़ा खुशी होता है, बहुत दिल चौड़ा होता है कि आदमी इंडिया के बाहर भी शूट करता है तो हमारे यूपी बिहार से भाई कोई ना कोई मिल ही जाता है, फैमिली माता बहन लोग मिल ही जाला। तो ये खाली यूपी बिहार के लेके ये फिल्म लिखे बन, पूरे हिंदुस्तान मतलब पूरा समाज के लेके ये हिंदुस्तान में मतलब एक गंगा सफाई अभियान जो अन बा, ये खाली यूपी बिहार के लेके नहीं खे, ये सबके लिए बाकी मतलब हमको मतलब इसमें गंदगी नहीं रहने देना, इसको साफ करना है। आपके फिल्म से मैसेज जाएगा कि गंदगी नहीं होनी चाहिए। हाँ, रीजन ये है कि गंगा आम नदियों की तरह नहीं है, ये बेसिकली हमारी संस्कृति का हिस्सा है, और बहुत जैसी संस्कृति हमारी धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही थी, कहीं ऐसा ना हो कि गंगा भी विलुप्त हो, तो उस गंगा को बचाने का ये प्रयास है हमारे हीरो का, हमारे एक्टर का, कि इस गंगा को बचाना होगा, क्योंकि गंगा एक ऐसी नदी है, एक ऐसी पवित्रता का नाम है जो हमारे यहाँ हर घर में, हिंदुस्तान के हर घर में, या जो भी हिंदुस्तान के रहने वाले हैं किसी भी दुनिया के या देश के घर में, उनको इस गंगाजल की ज़रूरत पड़ती है, तो उस गंगाजल की शुद्धता इम्पोर्टेंट है, उसी गंगा को स्वच्छ करने की ये कहानी। भोजपुरी की अगर बात की जाए तो नाम आता था बिहार का, लेकिन अब ये यूपी में भी देखा जा रहा है कि अब अभी ज़्यादातर यूपी के कई जिलों में युवाओं को कैसे प्लेटफॉर्म मिलेगा कि इन आपके फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा उसको अपनाएं और इसमें काम करने के लिए एक अलग उपाय हो जाता है? भैया देखिए, मेरा शुरू से ये प्रयास रहा है और हमेशा रहेगा कि हमारे यूपी बिहार से जो भी नए नए लड़के हैं ना, वो आगे बढ़ें, जो प्रयास कर रहे हैं अगर हम मिल गए तो मिलके कोई सपोर्ट कर दिए। जैसे आपने बोला खाली बिहार में ही भोजपुरी 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 भोजपुरी, आज यूपी में भी, ये बहुत सौभाग्य की बात है। आपने मेरा एक गाना सुना होगा जिसका नाम है पुदीना,
तो आम के सीजन रहे और पुदीना गाना हिट हो गया, तो टिपिकल भोजपुरी गाना लेला पुदीना, वो गाना आप लोगों की कृपा से, हमारे ऑडियंस की कृपा से 1 मिलियन क्रॉस कर गया, 1000 मिलियन। तो आज भोजपुरी के क्रेज सारे खाली बिहार में ही नहीं थे, मतलब हम बोल सकते हैं दिल से कि पूरे वर्ल्ड में हमारे भोजपुरी का डंका बज रहा है आज के समय में। और डंका बज रहा है तो हमारे नए नए लड़के आगे भी बढ़े, खूब नाम कमाए, सुपरस्टार बने, मस्त रहे। अब फिल्म बनता पूजा तो मान लो खबे करी, पूजा पूजे है, लेकिन जब ले एक्शन ना हुई, थोड़ा सा इमोशन ना हुई, क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, क्या हमारा भावना है, क्या मिशन है, तो किसी भी मतलब हमके छत पर चढ़े के बाद जमीन से तो एक ही सीढ़ी में ना चढ़ जाए, 2, 3, 4, 5, 6, तो उसमें पूजा है, पाठ है, भाव है, एक्शन है, इमोशन है, हर चीज़ देखने को मिलेगा। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि आज के समय में हमारे डायरेक्टर साहब जो सोच लेके आए हैं, इनके सोच को मैं सलाम करता हूँ, और हम सब कलाकार इस फिल्म में दिल से काम करेंगे ताकि हमारे ऑडियंस को ये काम पसंद आए। भैया कहा जा रहा है कि भोजपुरी में अपने की सबसे बड़ी फिल्म बन के तैयार होने वाली है, साथ में एक दो और लैंग्वेजेस में डबिंग होगी इस फिल्म में। मैं अपने काम को कभी ये नहीं बोलता हूँ कि बड़ा है, मैं हमेशा से मेरा यही सोच है कि मैं सबसे छोटा था, हूँ और छोटा ही रहूँगा। बस आप सब हैं जो हमारे भगवान हैं, जो आप ही लोग देते हैं श्रेय कि भैया आप क्या कर रहे हैं, क्या किए, क्या करने वाले हैं, ये मेरे लिए पूजा है, ये मेरा सौभाग्य है। ये हमारे पैन इंडिया के हिसाब से आजकल फिल्में बाकी हैं, जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उन लोगों ने पैन इंडिया के हिसाब से फिल्में शुरू की है बनानी। हम लोगों की भी एक कोशिश रहेगी पहली बार की पैन इंडिया के हिसाब से पिक्चरें बनाऊँ, तो तमिल तेलुगु में बाकी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं वहाँ पर हम उसको डब करके रिलीज करें, तो उस लेवल पर बनाने की कोशिश है इसमें। थैंक यू।